अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब आंख के ऊपर कुछ न होना, माइक्रोस्कोप होना, कोई ग्लासेस होना, मैग्नीफाइंग ग्लास, उसे हम कहेंगे नेकेड आई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि हम सिर्फ इसको अंडर अ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। अब इसमें ह्यूज रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्जी, प्रोटोजोआ। अब इनमें से कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद है जबकि कुछ नुकसानदेह है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, द फ्लोर वी स्टैंड, मतलब हर जगह हम हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उसमें हर जगह हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इनहेबिटेड बाय सम और अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर इवन प्रेजेंट इन साइड आवर बॉडी, यहाँ तक कि हमारी इन साइड बॉडी में भी प्रेजेंट है। फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो विदस्टैंड एक्सट्रीम कंडीशन लाइक प्लेस एज हॉट एज बॉइलिंग वाटर और प्लेस एज कूल्ड एज आइस। अब उन्होंने कहा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह लेते हैं, जिसमें मतलब इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है कि जैसे बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी जैसी इतनी ज्यादा गर्मी है, या इतना ठंडा है जैसे कि बर्फ हो। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड अलोन एंड अदर्स आर फाउंड इन कलोनीज। ये इनके इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है कि कुछ बिल्कुल अलोन रहते हैं जबकि कुछ कलोनीज में रहते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस है, ये फंजाई एंड दिस इज एल्जी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब भी कह सकते हैं, इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच मे एग्जिस्ट इन इट्स सिंगल सेल्ड फॉर्म और इन अ कलोनी ऑफ सेल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो, ये डेफिनेशन है उसकी हो सकती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, और माइक्रोब इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच मे एग्जिस्ट जो कि अपनी सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर फॉर्म में या कलोनीज में पाए जाते हैं।